हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ और इन्हें ब्रेकफास्ट भी करा दूँगी। और लंच वही आज भिंडी की भुजिया बना रही हूँ और सादी रोटी घी लगा दूँगी उसमें। तो ये हेल्दी होता है, कभी कभी मैं जंक फूड देती हूँ, वरना ऐसे तो मैं हेल्दी फूड ही देती हूँ बच्चों को। तो अभी बच्चे एक हफ्ते से स्कूल जा रहे हैं और अभी देखिए जस्ट छवि उठ के आई है। तो रुपेश जो है ना, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, वही मेरा ट्राईपोड टूट गया है, तो इस समय वही ट्राईपोड बना हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी बच्चों का टिफ़िन बना दूँगी और ब्रेकफास्ट उन्हें दे दूँगी, फिर उसके बाद से छवि को तैयार करती हूँ, क्योंकि अभी छवि खुद से रेडी नहीं हो पाती है। रुपेश तो हो जाता है पर छवि नहीं हो पाती है। और आज का जो दिन है फ्रेंड्स ना, वो है मंडे और तारीख है 1 नवंबर है। और अब यहाँ ठंडी लगने लगी है, ये देखिए। मुझे अभी शॉल मैंने नहीं निकाला है, तो मैं गमछा ही ओढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह शाम की ना ठंडी यहाँ पड़ने लगी है अच्छे से। और मेरी तबीयत खराब है इसलिए मुझे कुछ ज्यादा लगती है। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, पानी पी लेती हूँ। आप सभी को धनतेरस की एडवांस में बधाई, हैप्पी धनतेरस। और कल है धनतेरस, आज नहीं है, आज है 1 नवंबर, दिन है सोमवार। और मैं बच्चों को ले जा रही हूँ स्कूल। यहाँ देखिए छवि यहाँ बैठ के सॉक्स पहन रही है, रुपेश यहाँ पर फोन में कुछ अभी वो देख रहा है। तो अभी जा रही हूँ स्कूल और बच्चे काफ़ी टाइम से स्कूल जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही थी। और अभी मेरी 4 सुई पूरी हो गई है टाइफाइड की, आज 5वीं लगेगी, तो मुझे थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। तो और बहुत समय हो गया था आप लोग से बातें नहीं की थी ना, तो मैं सोच रही थी कि आज आप लोग से बातें कर दे। ये देखिए मैं क्या बोलते हैं, आयरन की सिरप पी रही है, इसलिए दांत जो है देखिए पूरा काला हो गया है। वो फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं ठीक नहीं होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। तो अभी चलती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर आप लोग से बातें करूँगी। बहुत कुछ शेयर करना था आप लोग से, दीपावली क्लीनिंग का और जो घर का क्या कहते हैं, जो मैंने फिर से सब कुछ व्यवस्थित किया है वो सब। बट मेरा फ़ोन इतना ख़राब हो गया था फ्रेंड्स, इतना ख़राब हो गया था कि मैं क्या बताऊँ आपसे। मैं कोई भी क्लिप 2 से 4 मतलब 5-6 मिनट का बनाती थी ना, उसके बाद से उसमें कुछ मतलब रिकॉर्ड ही नहीं होता था। और जो रिकॉर्ड हुआ रहता था वो थोड़ा चल के थोड़ा बिल्कुल आवाज़ आता था, पर जो है ना वो बिल्कुल स्टॉप रहता था। मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन कैसे बनेगा। तो ठीक है, चलो चलिए फ्रेंड्स, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, तो फिर आगे वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच किया करिए आप लोग मेरी वीडियो को। तो चलिए अभी बच्चों को छोड़ देती हूँ, चलो बच्चों। तो ये देखिए बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं और मंदिर में पूजा हो गई है। ये देखिए बाल्टी में कपड़ा मैंने रखा हुआ है, अभी इसे मुझे छत पे डालना है धुल के, और ये कारपेट भी। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है स्टिकर ना। तो रुपेश शूज़ पहन लेता है और फिर बच्चे जो हैं वो चले जाएंगे। छवि अब फ़ोन छोड़ दो। अरे बैग नहीं दिए हो आज। तो अभी ना फ्रेंड्स बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन में लग जाऊँगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ी जल्दी ही लंच बनाऊँगी। आज बहुत सारा काम है, काम क्या है वही कर्टन टांगने हैं और खिड़की दरवाज़ा पोछना है। तो ट्राईपोड टूटने की वजह से कुछ तो मैं ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, और अभी मैं रेस्ट ज़्यादा कर रही हूँ तो इसीलिए ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोग से। तो ये फ्रेंड्स अभी देखिए मैं बना रही हूँ वो पालक की दाल। तो मैं पालक की दाल, पालक दाल एक साथ नहीं बैठाती हूँ, दाल बना लेती हूँ सिंपल, जैसे हम बनाते हैं घर में वैसे, और फिर जैसे हम दाल फ्राई करते हैं उसी तरह से बस हम करते हैं टमाटर के साथ। बस पालक या कोई भी साग हो उसे पतला पतला कट करके और डाल देती हूँ, हींग डाल देती हूँ और देसी घी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनता है, और बहुत टेस्टी बना था, बच्चों ने भी चाव से खाया और हस्बैंड ने भी खाया। आप इस तरह से बना के देखिएगा और आपको अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी के लिए तेल गरम हो गया है, फिर मैंने उसमें मेथी दाना डाल दिया और हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगा दिया,
फिर जब वो हल्का ब्राउन हो गया तो उसमें मैंने बैंगन आलू डाल दिया है और टमाटर, और बस नमक हल्दी डाल के इसे बस पकने तक बस इसे मैं पकाऊंगी। जब आलू सॉफ्ट हो जाएगा ना, अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो बस मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और ये बहुत टेस्टी बनती है सब्जी, तो आज लंच में मैं यही बना रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए हस्बैंड जो है ना वो क्या बोलते हैं इन्वर्टर और स्टार्टर को वो क्लीन कर रहे हैं, और भजन चल रहा है अभी कान्हा जी का। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स सब्जी जो है बन गई है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बिल्कुल तो चाट की तरह लग रही थी। अभी हस्बैंड जो है एलईडी लाइट जा रहे हैं खिड़की पे लगाने, तो वही चेक कर रहे हैं कि कोई ख़राब तो नहीं हो गया है, पर शायद 3 एलईडी बल्ब जो है ख़राब हो गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये 3 ना ख़राब हो गया है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को खिड़की पे लगते हुए। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये एलईडी लाइट हस्बैंड जो है ना वो खिड़की के बॉर्डर पे लगा देंगे और ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आगे वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कितना प्यारा लगता है एलईडी लाइट। और यहाँ पर आज धनतेरस के एक दिन पहले ही हमारे यहाँ जो लाइट्स हैं ना वो लग जाती है, तो ये हस्बैंड देखिए सारा जो लाइट्स था वो हमारा पिछले साल का ही है, हम नया नहीं लेते हैं। एक साल हमने लिया था फर्स्ट टाइम जब घर हमारा बना था, तब से ये ही चलता है। और अभी मैं दिखा रही थी कि कपड़े देखिए, मतलब जैसे कि कारपेट वगैरह जो है वो सब छत पे हैं, और ये रोज़ खिला था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो अभी वो हस्बैंड जो हैं लगा रहे हैं और मैं उन्हें बता रही हूँ कि मतलब कितना लेंथ उसका रखना है, और मैं टेप भी कट करके दे रही हूँ उन्हें, क्योंकि आप जानते हैं ना दो लोग रहेंगे तो भी एक काम होता है, तो वही लगाते वही हैं, बस मैं देती हूँ उनको। और फ्रेंड्स दिवाली पे इतना सारा काम हो जाता है ना, काफ़ी थक जाते हैं हम लोग, बट इस बार मैं उतनी थकी नहीं हूँ, मैंने बहुत रेस्ट किया है टाइफाइड की वजह से, क्योंकि टाइफाइड में जितना आप रेस्ट करोगे उतना अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने क्लीनिंग का कोई भी ब्लॉग नहीं डाला ना शूट किया, क्योंकि मैं कर ही नहीं रही थी, तो मैं क्या शूट करती हूँ क्या डालती। तो अभी देखिए हस्बैंड जो है ना वो इस वाले डिज़ाइन के ऊपर लगा रहे थे, तो ऊपर से वो दिख नहीं रहा था, तो मैं नीचे से आके बता रही थी। और अभी देखिए फ्रेंड्स इस समय रात के बज रहे हैं 7, और लाइट्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी पूरी कॉलोनी में हमारे यहाँ ही लाइट लगी है और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये एलईडी लाइट भी आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है खिड़की पर, और ये यहीं पे हमेशा शुरू से ही यहीं पे लगा हुआ था, बस ये सफाई हो रही थी ना पेंट वगैरह, तो हस्बैंड निकाल के साइड में रख दिए थे। फिर रात हो जाती है, बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ कर्टन्स लगाने के लिए, सोच रही थी कि लगा दूँ क्योंकि धनतेरस कल है तो काम ज़्यादा हो जाएगा, और मुझे ठंड बहुत लग रही है, और डॉक्टर भी बोले हैं कि ठंड से आप बचिएगा क्योंकि मुझे बार बार टाइफाइड हो जा रहा ना इसलिए। तो अभी मैं वही सारे कर्टन्स को जो साइज होता है ना वो देख रही हूँ कि कौन कहाँ का है, क्योंकि आगे का थोड़ा छोटा अंदर का थोड़ा बड़ा है, तो वही मैं अभी चेक कर रही थी। तो ये देखिए मैं बारी बारी करके सारे कर्टन्स को लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक था।